मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन मतलब नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एवरी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर है दैट इज रो इनटू कॉलम। ये दो मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 2 × 3 × 4 दैट इज 24। मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर से टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना होगा हम पता कर सकते हैं। लुक, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तीन मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, केस वन केस टू। केस वन में हम टोटल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2100 एंड केस टू में टोटल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1350। केस वन एंड केस टू में आंसर सेम आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से, बट केस टू विल बी बेटर बिकॉज केस टू इज टेकिंग लेस नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन केस वन। सिमिलरली यहां पे देखो चार मैट्रिक्स है तो डिफरेंट केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ब्रैकेट से पता चलता है किस तरह से मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस हो रहा है, बट व्हिच वन इज द बेस्ट वन और ऑप्टिमल वन, जहां पे सबसे कम मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज द बेस्ट वन। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स इज गिवेन इन द क्वेश्चन। तीन मैट्रिक्स है तो चार डिफरेंट ऑर्डर मिलेगा, सो डिफरेंट ऑर्डर्स P0, P1, P2 करके लिख दो। P0 10, देन P1 7, P2 5, P3 20। देन M टेबल एंड S टेबल बना दो। टेबल का साइज होगा 3×3 यानी 3 रो 3 कॉलम। क्योंकि क्वेश्चन में तीन मैट्रिक्स गिवन है, अगर चार मैट्रिक्स गिवन होता तो टेबल का साइज होता है 4×4। M टेबल का डायगोनल में 0 लिख दो। राइट दिस फॉर्मूला। एम टेबल में हम डायगनली फिलअप करेंगे, पहले ये वाला देन ये वाला देन ये वाला। लुक, ये वाला का पोजिशन हो रहा है 1 2, इसलिए आई वैल्यू 1 जे वैल्यू 2। सिमिलरली नेक्स्ट ये वाला का पोजिशन हो रहा है 2 3, सो इसलिए 2 3 लिखा। देन ये वाला का पोजिशन हो रहा है 1 3, सो इसलिए 1 3 लिखा। लुक, 1 और 2 में एक गैप है तो के का वैल्यू 1 होगा, 2 और 3 में एक गैप है सो के का एक ही वैल्यू होगा। 1 एंड 3 दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि 1 एंड 3 के बीच में 2 गैप है, इसलिए के का 2 वैल्यू होगा, इसलिए 2 बार लिखा है। के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू आई से शुरू होगा। लुक हियर, के का वैल्यू यहां पे आई है 1, तो के का वैल्यू 1 होगा। तो यहां पे के का एक ही वैल्यू है, के का वैल्यू यहां से 2 होगा क्योंकि आई वैल्यू 2 है। यहां पे के का वैल्यू 1 होगा, देन नेक्स्ट टाइम प्लस 1 होके के का वैल्यू 2 होगा। सो आई जे के वैल्यू हमको मिल गया, अभी फॉर्मूला में पुट कर देंगे आई जे के वैल्यू, देन विल फाइंड आउट द आंसर्स। लुक, एम मतलब एम टेबल से हम डाटा लेके, एंड P0 P1 P2 मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है, सो यहां से डाटा लेके हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। जहां पे एक पोजिशन, यहां पे देखो 1 3 दो बार लिखा है, मतलब 1 3 पोजिशन के लिए 2 वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रहा है, सो मिनिमम वैल्यू हमको लिखना है। लुक हियर, जो भी वैल्यू हमको मिला यहां पे रेस्पेक्टिव एम टेबल पोजीशन में हमने लिख दिया। नाउ एस टेबल, एस टेबल में हम रेस्पेक्टिव के वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब 1 3 5 0 के टाइम के वैल्यू था 2, इसीलिए 2 लिखा। सिमिलरली हम वैल्यू फिलअप कर देंगे रेस्पेक्टिव के वैल्यू। नाउ लुक हियर, दिस इज द ट्री स्ट्रक्चर, इस तरह से हमको डिवाइड करना है। I एंड J क्या है, I एंड J इज हियर 1 3, मतलब द लास्ट कैलकुलेशन हमारा 1 3 पोजिशन में हुआ था, इसलिए आई जे 1 3 होगा। हियर S मीन्स द S टेबल से डाटा आएगा, सो हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। लुक हियर, हियर I इज 1 एंड J इज 3, सो I कॉमा एस आई जे दैट मीन्स 1 कॉमा S ऑफ 1 3, S ऑफ 1 3 में 2 है इसलिए 2 लिखा। देन 2 + 1 दैट इज 3 बिकॉज एस आई जे प्लस 1 है, देन जे इज 3। जब आई इक्वल टू जे हो जाएगा तब हम डिवाइड करना बंद कर देंगे, देन फिर से ये 1 2 आई जे को लेके ये फिर से फॉर्मूला डाल के डिवाइड हो रहा है। जब ये 1 1 2 2 ऐसे इक्वल टू हो जाएगा तब बंद होगा, तभी ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा। ये देखो ट्री स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को देख के हमको ब्रैकेट देना है। सो A1, A2, A3 तीन मैट्रिक्स लिख दो। ये स्ट्रक्चर को देखो 1 2 जॉइन है, नीचे से देखो 1 2 जॉइन है, इसलिए हमको 1 2 में ब्रैकेट देना चाहिए यानी A1, A2। लुक, A1, A2 में ब्रैकेट दे दिया, देन 1 2 3 के साथ जॉइन हो रहा है तो इसलिए हमने A3 को लेके ब्रैकेट दे दिया। सो दिस इज आवर आंसर। सो ये ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के लिए वी कैन राइट ए एल्गोरिथम लाइक दिस। लुक हियर,
दिस वन इज द मेन मैट्रिक्स चेन एल्गोरिदम, यहाँ पे आई जे के वैल्यू फॉर लूप लगा के फाइंड आउट कर रहा है एंड एम टेबल एंड एस टेबल में रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन करके वैल्यू स्टोर कर रहा है. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन इज बिग ऑफ एन क्यू.